कल मैंने पटना जू का ब्लॉग बनाया था, वीडियो ज्यादा लंबा होने के कारण मैं पूरा नहीं दिखा पाया, लेकिन असली मजा तो अभी बाकी है गाइस। पिछले ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया लायन, टाइगर, स्नेक्स, बियर, बहुत सारे एनिमल्स मैंने आपको पिछले ब्लॉग में दिखाया था, और इस ब्लॉग में मैं आपको दिखाने वाला हूँ जैसा कि हिप्पोपोटामस, चिंपांजी, लायन, डियर, हॉग, डियर, गेंडा स्वामी, एलिफेंट, ब्लैक डियर, व्हाइट टाइगर, लिपर्ड, चिंपांजी, मछली घर, क्रोकोडाइल, भेड़िया, बारह सिंगा भी। गाइस पहले वाले वीडियो से ये वीडियो ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो में बने रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। ये वीडियो देखने के बाद आपको पटना जू बिना गए घर बैठे आप पटना जू का पूरा आनंद ले सकते हैं। और हाँ, अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप कर क्या रहे, आप कर क्या रहे, जल्दी से नीचे जाइए सब्सक्राइब का बटन, क्योंकि मैं सक्षम ब्लॉगिंग आज चैनल पर आपके लिए ऐसे ही शानदार वीडियो लेकर आते हूँ। तो गाइस एक वीडियो एडिट करने में 4 से 6 घंटे लगते हैं, तो गाइस इतना मेहनत करता हूँ मैं आपके लिए, तो सब्सक्राइब तो बनता है ना गाइस। तो फटाफट नीचे रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आगे मैं कहाँ का वीडियो लेकर आऊं, और कमेंट में बताइए इस वीडियो में कोई कमी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पटना जू पार्ट 2, लेट्स गो। तो अभी गाइस हम लोग आ चुके हैं जी बर्ड के कलेक्शन में, और इधर बहुत सारे बर्ड्स हैं, इतने सारे की अलग अलग प्रजाति के बर्ड्स अवेलेबल है इधर। ये आप लोग देख सकते हैं 100 से भी ज़्यादा बर्ड यहाँ पे अभी अवेलेबल है, ये आप लोग देख ही सकते हैं कितने सारे बर्ड हैं इधर, और ये आप लोग देख सकते हैं रंग बिरंगे कलर का, ब्लू, वाइट, ग्रीन, हर कलर में अवेलेबल है बर्ड, अलग अलग कलर में है, ग्रीन है, ब्लू है, वाइट है। तो गाइस पटना जू के बारे में और भी कोई डिटेल्स जानना है, टिकट्स के प्राइस, तो मैंने पार्ट 1 के रूप में एक वीडियो बना रखा है जो कि डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप जाके उसको देख सकते हैं। तो इधर है गाइस स्टार्टर, ये बहुत छोटे होते हैं। तो ये है गाइस हिप्पोपोटामस, ये आप लोग देख सकते हैं, और ये तो अपना मुंडी बाहर निकाल नहीं रहा है हिप्पोपोटामस। तो चलिए अभी हम लोग चलते हैं। तो ये है गाइस लिपर्ड कैट, ये आप लोग देख सकते हैं बहुत खूंखार है और बहुत डरावना भी है, मुझे तो बहुत डर लगता है इससे। ये देखिए इधर आ भी रहा है, ये देख लीजिए ये आ गया, ये देख सकते हैं आप लोग, ओ माय गॉड, ये देखिए ये जा रहा है वापस। तो ये है गाइस जिराफ, और मैं अभी इधर जा नहीं सकता, मैं आपको दूरी से दिखा रहा हूँ, इधर जाना अलाउ नहीं है, तो इसीलिए मैं आपको इधर दूरी से दिखा देता हूँ। ये आप लोग देख सकते हैं जिराफ चाचा हैं, ये आप लोग देख सकते हैं बहुत बड़ा है इसका गर्दन। तो ये है गाइस गेंडा स्वामी, और इधर भी मैं पास से नहीं देखा पड़ा, इधर पास जाना अलाउ नहीं है,
ये आप लोग देख सकते हैं गेंडा स्वामी जी, ये है गेंडा स्वामी जी। तो इधर है ब्लैक मॉन्की और इधर अभी हम लोग नहीं रुके, चलते हैं। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं हाथी के पास और ये अभी दो हाथी मैंने अभी देखा है, और भी होंगे इधर उधर, लेकिन अभी तो मैं फिलहाल अभी दो हाथी देखा। ये आप देख सकते हैं ये मुझसे भी मोटा है, ये आप लोग देख सकते हैं इतना मोटा है। तो चलते हैं, तो अभी हम लोग जा रहे हैं हाथी के पास से अभी दूसरे जानवर के पास। चलिए अभी दूसरे जानवर के पास चलते। तो ये है क्रोकोडाइल, मुझे लगता है कि ये सब आराम कर रहे हैं या फिर ये सब सोए हैं। ये आप लोग देख सकते हैं कितने सारे हैं, ये आलसी क्रोकोडाइल है, सब सोए हैं, सारे सोए ही हैं, कोई भी जगह अभी नहीं है, ये देख सकते हैं आप लोग। ये देखिए गाइस, ये क्रोकोडाइल मुझे हाथ लेके बुला रहा है, मुझे पता है सब, ये पहले बुलाएगा और बुला के मुझे खा देगा, मैं तो इसके पास नहीं जाने वाला भाई। हाय गाइस, तो अभी हम लोग आए हैं मछली घर, और मछली घर का इधर टिकट काउंटर था वो, और उधर से हम लोग टिकट कट करवा के और इधर आ रहे हैं लोग, और इधर है। तो गाइस मछली घर का टिकट कुछ इस तरह का है, तो इधर एडल्ट का लगता है 10 रुपीस और बच्चों का लगता है 5, टोटल हम लोग को 15 रुपीस लग गया। तो ये आप लोग देख सकते हैं गाइस, ये है पानी का फुहारा, जैसे फेंकता नहीं है वही वाला है जो कि अभी बंद पड़ा है, और इसमें डॉल्फिन भी है, लोग इसमें सिक्का भी फेंक रहे हैं, लोग का मानना होगा किसी का। और ये डॉल्फिन का डमी है, आप लोग देख सकते हैं कितने सारे लोग भी सिक्का फेंके हैं। ये देख सकते, इसके लिए बड़ा तालाब चाहिए तब रहेगी। तो गाइस अभी हम लोग चलते हैं मछली घर के अंदर, ये जो आपको बड़ा मछली का ये दिख रहा है, इसी के अंदर हम लोग अभी जाने वाले हैं, तो लेट्स गो। तो अभी हम लोग आ चुके हैं मछली घर के अंदर, ये आप लोग देख सकते हैं, ये एक शीशा में बंद करके रखा हुआ है मछली को, ये बहुत इतने अच्छे तरीके से रखा हुआ है। मुझको तो अगर मैं मछली रहता ना तो मैं तो इसी में रहता, मैं तो इसी में रहना पसंद करता। ये आप सुख देख सकते हैं गाइस, बहुत मजा। तो ये भी एक मछली है जिसका नाम भी इधर लिखा है, लेकिन मैं बहुत बड़ा है, आप ही लोग पढ़ लीजिएगा, मैं तो नहीं पढ़ बता सकता, बहुत बड़ा नाम है। और ये बहुत अच्छी तरह से लोग रखा गया है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये है स्टार कछुआ, स्टार टर्टल, ये बहुत छोटे होते हैं, ये देख लीजिए, ये भी स्टार टर्टल है, ये मेरे साथ खेल रहा है अभी, ये आप लोग देख सकते हैं, अब इसको खेलने का मन नहीं है, ये चला गया, खेल लिया बस इतना ही कि इसको खेलना था। तो ये है गाइस ब्लैक फिश, ये आप लोग देख सकते हैं, और मुझे तो इसमें अगर मैं रहता तो बहुत मज़ा आता, मुझे पता नहीं कि ये रंग बिरंगे स्टोन कहाँ से लाते हैं, इतने रंग बिरंगे स्टोन हैं इधर। तो हम लोग मछली घर से निकल चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं, बस इतना ही घूमना था। तो अभी हम लोग मछली घर में से घूम के आ गए हैं, तो गाइस चलते हैं आगे और देखते हैं और क्या मिलता है। Thank you.
है गाइस नौका बिहार, ये आप लोग देख सकते हैं इधर बहुत बोटिंग करके सब कोई बोटिंग कर रहे हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। और इधर टू सीटर का लगता है 80 रुपीज और फोर सीटर का लगता है 100 रुपीज। मैं तो कह रहा हूँ जरूर एक बार आप लोग इधर आइएगा, सच में आपको बहुत मजा आएगा। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं हिरन मौसा जी के पास। ओ भाई साहब, इतनी नजदीक से मैंने कभी भी इस जानवर को नहीं देखा था। और इसका नाम है सांगे। ये देखिए, ये जा रहे हैं, लगता है नाराज हैं। तो ये है गाइस जेब्रा अंकल, और ये पता नहीं खड़े खड़े हो कि क्या सोच रहे हैं, और इनके साथी लोग कहीं होंगे घास उसके चक्कर में अभी है, और ये पता नहीं खड़े खड़े क्या सोच। तो ये है गाइस हिरन मौसा, ये हिरन मौसा है, और ये देख सकते हैं बहुत सारा है, एक इधर है एक उधर है, बहुत सारा है, कितना देखा हूँ आपको। ये आप लोग देख सकते हैं हिरन, ये अभी घास खाने में लगे हुए हैं। चलिए चलते हैं इनके पास से। दोस्तों अभी हम लोग जू के बाहर जा रहे हैं ना, हमने पूरा जू घूम लिया हुआ, जू के बाहर मिलते हैं पार्टी में। तो ये था गाइस पटना जू पार्ट 2, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय जय।